अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्काई स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, कुछ अर्सा पहले डीडी फ्री डिश के ऊपर कुछ चैनल वापस आए थे, जिनमें जी एन मोल, स्टार उत्सव और सोनी पल, इस तरह के कुछ चैनल थे, वो वापस आए थे। लेकिन उनमें दो चैनल ऐसे थे जो वापस नहीं आए थे, जिनमें स्टार उत्सव मूवी और सोनी वा, ये दो चैनल मूवीज वाले थे, अच्छी मूवीज लगाते थे, लेकिन ये चैनल वापस नहीं आए थे। बहुत सारे दोस्त बड़ी देर तक पूछते रहे कि ये सलीम भाई चैनल कब वापस आ रहे हैं। तो इन चैनल्स के बारे में गुड न्यूज आई है, उसमें ये चैनल्स वापस आ रहे हैं अब डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पर। तो मैंने सोचा कि दोस्तों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता चलूं। तो ये मैं आपको टीपी बताता हूं, किस टीपी पर और किस जगह पे ये चैनल आने वाले हैं। तो उसके लिए आपको मुकम्मल प्रूफ भी दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी कोई वीडियो भी ऐसी नहीं होती जो बगैर प्रूफ के हो। तो इसके से पहले कि हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, आप दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। तो चले मैं वीडियो की तरफ आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि इस ये किन किन फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये चैनल आ रहे हैं। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जी दोस्तों, ये देखें, ये आपके सामने एक मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ आपको। ये 50वां ई एक्शन हुआ है डीडी फ्री डिश का MPEG2 चैनल्स के लिए। तो इनके ऊपर जो स्लॉट्स खाली हैं उनके ऊपर ये चैनल आपको देखने को मिलेंगे 29/12/2020 से, ठीक है जी। ये चैनल्स इनके ये मूवीज़ चैनल्स हैं तीनों ही। इसके ऊपर सबसे पहले जो चैनल आपको मिलेगा वो स्टार उत्सव मूवीज़ चैनल है, उसके बाद सोनी वाह चैनल आपको मिलेगा, और एक फिल्मची चैनल है, ये भोजपुरी मूवीज़ जैसे बी फॉर यू भोजपुरी दिखाता है मूवीज़, ये उस तरह की मूवीज़ दिखाएगा। और पहले दो चैनल जो हैं ये तो आपको पता ही, आप देखते रहें, ये आपको हिंदी मूवीज़ दिखाते हैं और बड़ी अच्छी मूवीज़ दिखाते हैं। तो ये आपको चैनल्स देखने को मिलेंगे 29/12/2020 से। तो ये किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप चैनल देख पाएंगे, वो स्लॉट्स खाली हैं, वो स्लॉट्स भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। उसके लिए हम अपना रिसीवर ऑन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कौन सी स्लॉट्स जो खाली हैं उनके ऊपर ये चैनल आने वाले हैं। तो चलें मैं रिसीवर ऑन करके आपको चेक करवाता हूँ। जी तो दोस्तों, जब आप अपने चैनल स्टोर करेंगे डीडी फ्री डिश के, तो कुछ इस तरह से ये चैनल्स आपके सामने आएंगे। यहाँ पर जो सबसे पहले टीपी आती है वो 11089 यानी कि ये 11090 वाली टीपी होती है। कुछ रिसीवर में फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो जाती है एक दो, वो टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि कौन सी स्लॉट्स खाली हैं जिनके ऊपर ये तीन चैनल आने वाले हैं। तो आप जब इसके बिल्कुल एंड में चल जाएं, आप ये 11550 वाली टीपी है, यहाँ पे ये देखें टेस्ट 502 के नाम से एक चैनल है। यहाँ पर एक चैनल आएगा इनमें से, तीनों में से। तो ये अभी तो कुछ यहाँ पे एड्स वगैरह ही लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चैनल आएगा। और जो दूसरा चैनल आपको मिलेगा वो भी इसी टीपी के ऊपर ही है, 11550 वाली के ऊपर। ये यहाँ पर ये देखें, ये टेस्ट 508 के नाम से टीपी है, और इस यहाँ पर कलर बार आपको नज़र आ रहा होगा चैनल के ऊपर। तो एक चैनल यहाँ पर आएगा, और तीसरा चैनल भी इसी के बिल्कुल नीचे टेस्ट 510 के नाम से है, और यहाँ पर ये चैनल आएगा। और जैसे ही ये चैनल यहाँ पर रनिंग करने लग पड़ेंगे 29 तारीख को, तो फिर हम आपको वाज़े बता देंगे कि ये किस टेस्ट के ऊपर कौन सा चैनल आया है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों को साथ मैंने कहा शेयर करता चलूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और मेरे अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग और अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ। उस वक्त तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।